हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज की जो अपडेट निकल के आ रही है वो है एरीज की तरफ से, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की तरफ से। अब इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले यहाँ पे शॉर्ट में कुछ यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। उसके बाद हम बात करें जॉब नेम, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है और कंसल्टेंट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। इसका लोकेशन जो है नैनीताल उत्तराखंड में रहने वाला है। 15 जून 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसके जो है नोटिफिकेशन है ऑफिशियली जारी किया गया उस पर चलते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि पोस्ट सबसे पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, किस कैटेगरी में क्या पोस्ट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, लेवल 10 पे मैट्रिक्स रहने वाली, 56,100 से लेकर 177,500 रहने वाली है। 35 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज है। एक पोस्ट है यहाँ पे निकाली, एमएससी फिजिक्स में होना चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, बाकी यहाँ पे डिटेल एक्सपीरियंस के बारे में चेक कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है वो है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 की पे मैट्रिक्स मिलेगी, 25,500 से लेकर 81,100 तक मिल जाएगी, 27 ईयर्स यहाँ पे अप्लाई करने का एज लिमिट दिया गया है। 3 जॉब है यहाँ पे, 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, विद मिनिमम 2 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम ट्रेड में। तीसरे नंबर की पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, लेवल 4 की यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट रखी गई है, BSc अगर आपने किया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका BSc में, 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस आपका साइंटिफिक इंस्टीट्यूट या फिर लेबोरेटरी में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। चौथे पोस्ट की बात करें तो यह है कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की, यहाँ पे 40,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, 65 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो है 5वें नंबर की पोस्ट है वो आपका कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट, 40,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी पर मंथ और 65 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है और यहाँ पे ग्रेजुएट डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट के जो ये 2 पोस्ट है कंसल्टेंट वाले, दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट है, यहाँ पे जो है 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा और यहाँ पे ध्यान रखें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के, बाकी ऊपर वाले पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के नहीं है पोस्ट। आगे हम इसमें देख लें किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है अपने जो नीचे इसी नोटिफिकेशन में एक फॉर्म अटैच है उस फॉर्म को फिल कर लेना है और उसको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी है अटेस्टेड कॉपी जो है सर्टिफिकेट अपने जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास एक्सपीरियंस कास्ट उसके बाद आपके पास डिजेबिलिटी ATC में भी वो सारे के सारे स्कैन करके आप ईमेल ID पे भेज देंगे या नहीं तो आप यहाँ पे उसको जो है पोस्ट से भी भेज सकते हैं 15 जून 2020 तक। तो उस फॉर्म को फिल करके और सेल्फ अटेस्टेड जो भी जेरोक्स कॉपी है आपके सर्टिफिकेट के उस पर सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से जो है अभी प्रमाणित उसको कर लेना है और साथ में सेंड कर देना है, स्कैन करके ईमेल पर कर सकते हैं या नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस पे भेज सकते हैं, उसका आगे मैं पता बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में जानकारी पूरी की पूरी दी हुई है सेम टू सेम उसी चीज को और यहाँ जनरल कंडीशन की बात करें तो इंडिया के सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया से। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह लिया जाएगा, जो सीरियल नंबर 1 है उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा और सीरियल नंबर 2 वाले पोस्ट है उस पर जो है रिटर्न टेस्ट ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और सीरियल नंबर 3 के लिए आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। बाकी जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्सन को जो है MS वर्ड आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ लें यहाँ पे कि क्या क्या जरूरत है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसल्टेंट वाले जो पोस्ट है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट है, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया 1 ईयर इस पर रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर द कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 11th मंथ का है, बाकी एक्सटेंड किया जा सकता है ठीक है बाद में। तो आप यहाँ पे अप्लाई ध्यान से सब कुछ पढ़ के तभी करें यहाँ पे अप्लाई अगर एलिजिबल है तो। बाकी आगे यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर भेजना है आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो यहाँ पे रजिस्ट्रार आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यहाँ पे पूरा का पूरा पता दिया हुआ है, इस पर आप भेज सकते हैं 15 जून 2020 से पहले। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे आपका इस टाइप का फॉर्मेट है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, यहाँ पे एक फोटो लगा देना है और अपना जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें यहाँ पे फिल कर देना है, नेम अपना फिल कर देना है कैपिटल लेटर्स में, मेल फीमेल यहाँ डाल देना है, उसके बाद फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका वो डाल देना है, कैटेगरी SC ST OBC कौन सा कैटेगरी आप
आपका वो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर वैलिड डाल देना है, ईमेल आईडी भी वैलिड आपका डाल देना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, फोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे एड्रेस में डाल देना है। बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आपको दे देना है। आगे इसी तरह से सारा फॉर्म जो है फिल कर लेना है और स्कैन करके ईमेल पर भी भेज सकते हैं, यानी तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें कोई फी नहीं रखी गई है, बाकी आप देख लें इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के पल पल के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए हमेशा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।